अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी की जब से प्रदेश में सरकार बनी है हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाखुश नजर आया। इसी कड़ी में हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के गाँव रैया के किसान भी काफी दिनों से धरने पर बैठे हैं और कृषि मंत्री के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते रहे हैं, लेकिन किसानों की ना तो सरकार सुनती है ना ही प्रशासनिक अधिकारी। किसान शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, लेकिन आज कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को नहर का उद्घाटन करने जाना था तो प्रशासनिक अमला किसानों को वहां से हटाने लगा और कृषि मंत्री को यह जताने भी लगा यहां सब कुछ ठीक है। हालांकि खुद कृषि मंत्री भी जानते हैं कि यहां कुछ भी ठीक नहीं है। काफी गंभीर बात तो ये है कि सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ इसी गाँव से आते हैं, इसके बावजूद भी अपने गाँव के किसानों का ख्याल तक नहीं रख पाए और किसानों ने खुलकर कृषि मंत्री का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा लूट की है और किसानों का शोषण किया है, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आकर जबरदस्ती किसानों को हटाने लगे और महिलाओं के साथ बदसुलूकी की, यह बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कृषि मंत्री का पुतला भी जलाया और हरियाणा सरकार और कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों ने बताया कि पुलिस वाले आकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और जबरदस्ती वहां से हटा रही है और हमारे पोस्टरों को फाड़ दिया गया। जयप्रकाश जी बताएंगे आज का क्या मामला रहा, जो आप वहाँ पे धनखड़ साहब आए थे उसका क्या मामला था? वहाँ पे हम उनका शांति प्रिय विरोध करने गए थे, वहाँ पुलिस ने मंत्री साहब के दबाव से हमें वहाँ से खदेड़ दिया और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है कि आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ आपको जेल में डाल देंगे, गिरफ्तार करेंगे। हमारी औरतें भी थी, 100-150 औरतें थी, तो लगभग पूरा गांव था। हम शांति प्रिय विरोध करने गए थे, लेकिन वहाँ से पुलिस प्रशासन ने मंत्री के दबाव से हमें वहाँ से खदेड़ दिया और हमें धमकी दी गई कि आप लोगों को यहाँ से चले जाओ, नहीं आपको हम गिरफ्तार करेंगे और आपके पास मुकदमा बनाएंगे। क्या आपको वहाँ पे धनखड़ साहब से मिलने दिया? हमें वहाँ धनखड़ साहब से मिलने दिया, उससे पहले ही प्रशासन ने उनके धनखड़ साहब के दबाव से हमें वहाँ से खदेड़ दिया और हम वहाँ से शांतिप्रिय वापिस आ गए। जो पुलिसकर्मी आए हुए थे उनसे आपकी क्या बातचीत हुई थी? पुलिसकर्मी जो आए हुए थे उनसे हमारी यही बात हुई कि हम शांतिप्रिय धरना कर रहे हैं, हम अपने चबूतरे पे जो हमारे 12 खाप का चबूतरा है उसके अंदर बैठे थे, लेकिन वहाँ भी उनको रास नहीं आई बात। प्रशासन का इतना दबाव था ऊपर से कि उन्होंने वहाँ से भी हमें खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया कि आप यहाँ भी नहीं कर सकते, नहीं तो हम आपके ऊपर मुकदमा बनाएंगे, आपको जेल में डाल देंगे, आप यहाँ से चले जाओ, और हमें वहाँ से खदेड़ दिया। एसडीएम ने और कुछ यही है कि हम शांतिप्रिय वहाँ जो कृषि मंत्री उद्घाटन करने के लिए आया था हमें पता चला था, तो हम वहाँ शांतिप्रिय अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने गए थे। जो हमारे 105 किले वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम वहाँ गए थे और उस पर पुलिस ने हमारे साथ मतलब ज़बरदस्ती करके वापिस खदेड़ दिया। प्रशासन ने हमको हत्थापाई वगैरह नहीं करना चाहते थे, हम शांति से अपना विरोध कर रहे थे, लेकिन वो बात भी प्रशासन को और मंत्री जी को रास नहीं आई। और ये प्रजातंत्र है, इसमें हर आदमी का हक है कि वो अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है, और हमारे 105 किले दादा लाई जमीन को ये हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे तो दिल पे बहुत बुरी घड़ी है हमारी। ये जो हमारी दादा लाई जमीन को ये कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपनी ज़मीन वापस लेनी है हर हाल में। हमें ना तो कोई मुआवजा चाहिए, ना कोई नौकरी चाहिए, चाहे हमें 1 करोड़ रुपए दें, जब भी हम किले नहीं देंगे, हम अपनी ज़मीन को किसी भी कीमत पे इस सरकार को इस प्रशासन को नहीं देंगे। बताया जा रहा था कि यहाँ पे एक हालत गंभीर हो चुकी है, उसके बारे में हमारे क्या मामला था? लेडीज थी उसको वहाँ धक्का मुक्की में उसकी हालत वो बेहोश होगी गिर गई, उसको हम लेके हॉस्पिटल लेके गए हैं। अभी वो क्या है क्या नहीं है अभी वहाँ से कोई बात आएगी, मैसेज आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो अभी यहाँ पे जो धरने पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे जिनकी हालत गंभीर थी, उसका वो अभी ठीक है? हाँ, वो अभी ठीक है। क्या नाम था उनका? उनका नाम श्री भगवान था, अभी वो ठीक है और वो वापस धरने पे ही बैठे। कितने दिन हो गए थे अभी भूख हड़ताल पे बैठे हुए? 7वां दिन आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए। 15
हमारे सर को उसने उजाड़ कर दिया, जे भी सी चलवा दी, पाइप पानी के फोड़ दिए। बता तो इसलिए उसके में लड़ने गए थे हम, कोई उसने गंदे नहीं बोला, उसके साथ झगड़ा नहीं था, उसने पहले पुलिस खंडाई। रोड पर रोड दम हमने नहीं किया था, कोई दंगा वो हमने नहीं किया था, सुख शांति का हम अपना उसमें थे। आपको भी धक्का मारा था भाई? मर इनका मरता है, मरते मेरे भी लगा, मरता में जा मुझे मेरे लगा चले ना, जा मत लग गया थे, हां लग गया था, मत मरता में बात कल था, मुझे धक्का तो मेरा लगेगा, मत चले ना जागा जब ओडड बोला रे अभी शर्म मेरा तू वो पक्की पर लग गई देखा मेरे गोड़े शर्म और मरी का पैर दिखा दो, आपका पैर आ गए थे। हमने ये पता लगा कि मंत्री आ रहा है, हम सारी वहाँ चले गए, वहाँ चले गए तो पुलिस नहीं आई थे, तो हम आराम से बैठे रहे, पहले हम रोड पर थे, फिर हम भीतर कर दिए भाई अपना उसमें बैठो, हम शांतिपूर्वक वहाँ बैठ गए, फिर ज्यादा पुलिस आई, ज्यादा पुलिस आके आने के बाद हमने नारे लाए मंत्री के उसमें, नारे लाए तो फिर पुलिस टूट के पड़ी हमारे पास, लेडीज पुलिस दूर रही, और जो पुलिस ये थे ना बसा पर बस आवे थी, फिर उन्होंने न्यू गेट में बस वो कर दिए, बोला इसमें बैठो, इसमें बैठ लो और ना अपने घर जाओ, फिर ये हमारे गिरफ्तार करने की कोशिश की, हाँ वो बोले कि वो कराएंगे गिरफ्तार और ना तो अपने हम अपना घर न जाओ, बहुत जबरदस्ती की है हमारे साथ, हम फिर धक्के मारते मारते हमारी सीमा ली आए तो हमने ये कहा कि अब तो हमारी जगह आ गई, हम यहाँ बैठेंगे, बोला नहीं तुम वहाँ जाओ। कितने लेडीज को चोटें आई हैं? दो तो ये है, एक तो उसका गोटा फूट रहा है, एक इसका, एक ये भी पड़ी थी उकमा भी, जो ये बड़ी लुगाई है भाई, पुलिसिया ने तो लार की लार लड़के लुगाइया की सुखी लुगनी पड़ी, किस किस का नाम लेवा, ठीक है वो बहुत ही गलत काम कर, ठीक है मैं मतलब यहाँ की लड़की मैं ज्यादा आना नहीं चाहती भाई, मेरे को बुलाओगे तो मैं उन्होंने आना पड़ेगा, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहती, पर बहुत ही निकम्मा काम कर रही, मर्दों का काम नहीं होता है कि भाई जो लगता जब मर्दों गाल भी लगता जब की करी हूँ पुलिसियन, फिर भाई मैं ऐसे नहीं करता, मैं चली जाता था मेरा, फिर वो जलाने पड़े, मैं एक एक बात ऐसी बता दूँ, मेरे मन आगड़ती नहीं भाई, हाँ उन्होंने बहुत ज्यादा जबरदस्ती की है, मंत्री ने अच्छा काम नहीं करा हमारे, हम जा रही थी सारी और उन्होंने यो दबाव डाला पुलिस ने के तो घर न जाओ, हाँ धक्का मार मार कर रखा था, के न्यू गले इसमें बस में बैठा था भैया, फिर मैं भी बस में उठा आगे बस हटा दी के तो बस में बैठो और के देखो पुलिस की ये बात काम में नहीं, तो तुम धक्का मार के सीमता ही मार धक्के मार मार सीमता ही छोड़ दी, सीम के हमने न्यू का दिए हमारी सीम यहाँ बैठे हमारे वहाँ भी धक्का मारे, ये बात अच्छी काम में कौन भी रहा, हम अपना हाथ पलट रहा था, हम कोई उनको गाली नहीं देते थे, गुंडा नहीं बोलता गाली नहीं बकता भी हम अपना पैसा, क्या नाम लड़ा, क्या नाम आपका, कृष्णा सरोज, बताएंगे कि आपको जो वहाँ पे गए थे आप दावड़ा जो गए थे, हाँ। तो वहाँ पे आपको क्या मामला था, वो मामला का धरती पर थवीरा धरती हमारी धरती, हमने तो ये हाथ जोड़ की मांग रहे हैं, अगर धरती नूटी नहीं रहनी चाहिए हमारी, हम वहाँ धरना पर थे, एक थोड़ा सिपाही था उन मेरे को ईश्वर धक्का मारा मेरा सर लग गया। अच्छा वहाँ पे लेडीज पुलिस भी थी, हाँ लेडीज पुलिस ने कुछ कहा आपको, वो दूर थी मैं पछान पछ गाड़ी आई थी, फिर आपको धक्का जेंट्स पुलिस ने मारा था या लेडीज ने मारा था, अरे वर्दी का लड़का था वो उर्दी में था, वर्दी में था, हाँ
और मेरे को ऐसा धक्का मार के वो भी टाट गया, सर लग गया इसका, सर कला गया। दूसरी ओर बादली हल्के से कांग्रेसी नेता कुलदीप वस भी किसानों का दुख साझा करने पहुंचे और उन्होंने भाजपा सरकार और कृषि मंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसान और मजदूरों का इस सरकार ने जमकर शोषण किया है। आगामी 2019 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और किसानों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सर आप बताएंगे कि जो आज का मामला था जो वहाँ पे डावला में पुलिस ने भी प्रशासन के साथ आपने पता है कि काफी दिन से हमारे पूरा गांव इस ओम प्रकाश में धनखड़ को कह नहीं सकते इसको ओम प्रकाश मंत्री फिर उन्होंने पूरे गांव को अपना ताना शाह कर लिया अपना के इनकी ज़मीन खोसने का काम कर लिया और पता नहीं किस प्रकार के लोग लालच गांव के लोगों को दिए पर गांव के लोगों ने एक ही बात कही कि सबसे बड़ा है हमारा ज़मीन और हमारी ज़मीन और ज़मीन है ज़मीन माता पर धनखड़ साहब ने अपना अहंकार ओम प्रकाश जी ने अपना अहंकार जिसे कहते हैं अहंकार वो यहाँ का मंत्री अहंकार है। आज की जो घटना थी हमारी माताएं हमारी बहनें हमारे नौजवान साथी चाचा ताऊ उनको जो पुलिस ने आज बर्बरता की है मैं पहले तो प्रशासन को एक बात कहना चाह रहा हूँ ये पुलिस कप्तान इस बात को ध्यान रख ले पंकज नैन जी आप सच्चाई का साथ दें ना कि एक आदमी का और इसका इस आदमी ने अगर हमारे किसान भाइयों के साथ हमारे परिवार के साथ अगर अत्याचार किया तो इसका नाम बहुत बड़ी आली डायरी में लिखेंगे और जो अफसर इनके साथ जाति कर रहे हैं जिस दिन हमारा राज आएगा बहुत जल्दी तीन चार महीने के बाद है राज आते ही पहले उन अधिकारियों का इलाज करेंगे क्योंकि ये कोई गुंडे नहीं कोई टेररिस्ट नहीं ये अपना हक मांग रहे हैं। अगर आपको हक देने की हिम्मत नहीं है आप अपने इनका हक नहीं दे सकते तो इनका हक छीनने की आज़ादी को और उसके साथ साथ आप पुलिस प्रशासन का बल प्रयोग करके माताओं बहनों को धक्का मुक्ति अत्याचार कराना गाड़ियों में गिरना दिखाने से ये कोई इंसानियत नहीं होती है। और ओम प्रकाश धनखड़ जी एक बात सुन लें मैं मीडिया के माध्यम से एक बात आपको कहना चाहता हूँ आप गाँव में घुसने से पहले फोर्स क्या करेगी मैं कहता हूँ एक ऐसा समय आएगा रैया गांव नहीं इस 103 गांव बाद के हल्के में ओम प्रकाश धनखड़ अपने सिर पे हेलमेट लगा के चलेगा और ऐसा समय आएगा ओम प्रकाश धनखड़ लोगों के पैर पकड़ेगा कि मेरे को अंदर आने दो और लोग नहीं कहेंगे आप अंदर नहीं आ सकते जो आज ये लोगों के साथ कर रहा है कल उसके साथ लोग उससे भी ज़्यादा व्यवहार उसके साथ करेंगे। और रही ज़मीन की बात ठीक है लोगों ने पहले इनसे कहा कि आप हमारी ज़मीन ले रहे हो ज़मीन ले लो कोई बात नहीं हम चाहते हैं कि चलो आप हमारे इलाके में कोई अगर अच्छी चीज़ बनती हो तो बनाने में विकास के मामले में मैं विरोधी नहीं हूँ पर ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिनकी ज़मीन भी ले रही है जिनको नौकरी भी नहीं दे रही है जिनको उसका उचित मुआवजा भी नहीं दे रही है। स्वामीनाथन आयोग की ये बात करते थे नंगे होकर रोड पर घूमते थे मैं पूछना चाहता हूँ आज नंगे होके तुम सारे पे रोड पर आओ और वही नारा याद करो जो बोर्ड भाइयों ने लगा रखा है इसको शर्म आनी चाहिए ऐसे इतनी घटिया सोच इतनी घटिया नीति का आदमी समाज का भला नहीं कर सकता। अहंकार तो कहते हैं कि रावण का भी रहा था तो ये चीज़ क्या है मैं चेतावनी देता हूँ अपनी हरकतों से बाज आए प्रशासन भी और इनके लोगों के साथ अत्याचार करने की कोशिश ना करें अकेला रैया गाँव नहीं है उनके साथ हजारों लाखों आदमी खड़े हैं और अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करें किसान मजदूर के वंशज हैं हम अत्याचार ना किसी पर करते हैं ना सहन करते हैं। बताया जा रहा था कि वहाँ पे लेडीज है महिला है उसके साथ भी प्रशासन ने कुछ अत्याचार किया था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे लेडीजों को अत्याचार किया लेडीजों को हाथ पैर पकड़ के फेंका है लेडीजों को बसों में डालने की कोशिश की है और रही बात ये कि कौन सा अधिकार है कि कौन सा कानून में लिखा है कि आप इस तरीके से लेडीजों को घसीट के बसों में डालोगे कौन सा कानून है और क्या किया उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की या किसी से कुछ कहा खड़े तो थे वो तो ऐसे तो बहुत गलत है मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और आने वाले समय में ये तो घूमते रहे हैं पर अगर कोई अत्याचार ऐसे करने की कोशिश की तो कल न फिर हम यहाँ अपने रूप में आएंगे और वो रूप बहुत खराब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण भक्त है मैं इलेक्शन लड़ा था और धनखड़ साहब के
पीछे पछने जुटाए तरी के भगवान की कृपा रही, जनता उसकी जमानत जब्त करेगी। पहला ऐसा कैंडिडेट होगा जो हरियाणा सबसे लो वोट उसकी बीजेपी। झज्जर से विजेंद्र मलिक के साथ गौरव की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।